अस्सलाम वालेकुम, आपके इस चैनल टी जे एस द गेमिंग स्टोर पर वंस अगेन आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम शुरू से आपके लिए ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू लेके आते रहे हैं, तो आज फिर रिव्यू है एक बहुत ही ख़ास आइटम का। तो आप कह सकते हैं कि ये आज की बहुत ही स्पेशल वीडियो जो है वो होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम डिटेल्ड रिव्यू करेंगे ज़ोटेक RTX 3060 Ti ग्राफिक्स कार्ड का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ज़ोटेक ब्रांड की जानिब से AMP वाइट एडिशन में GeForce RTX 3060 Ti। तो ये इस ग्राफिक कार्ड का लेआउट है, ओवरऑल इसकी लुक है जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कि ये वाइट एडिशन है। और इसको जो है वो आइस स्टॉर्म कहा गया है, कि इसका मतलब ये है कि इसकी कूलिंग जो है वो बहुत अच्छी है। बढ़ते हैं आगे और इसके कुछ हाइलाइटेड स्पेक्स एंड फीचर्स पे नज़र डालते हैं। तो ये है जी खूबसूरत सा, ज़बरदस्त सा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाउ द ब्यूटीफुल कलर्स आर शिफ्टिंग। तो हमारे पास RTX 3060 Ti, ये है जी हमारे पास ग्राफिक कार्ड का लेआउट, बॉक्स की बैक साइड से आप देख पा रहे होंगे, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तो चलिए इसके कुछ हाइलाइटेड स्पेक्स जो हैं वो उन पे बात करते हैं और आपको। और ये वीडियो जो है ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है, ताकि आप क्विक जो है वो इसका ओवरव्यू आप देख सकें कि इसके अंदर स्पेक्स फीचर्स जो है वो क्या क्या मौजूद हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, इसके कुछ हाइलाइटेड स्पेक्स पे नज़र डालते हैं। तो फ्रंट से कुछ स्पेक्स इसकी, जैसे कि आप यहाँ पर वाज़े तौर पर देख पा रहे होंगे, एक्सटेंडेड वारंटी मैंशनड है, 8GB GDDR6 का ये कार्ड है, आइस स्टॉर्म टेक्नोलॉजी मौजूद है, इसीलिए इसका टेक्सचर जो है वो वाइट रखा गया है, जिसका मतलब ये है कि इसकी कूलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एनहांस्ड और एफिशिएंट है। और उसके साथ ही इसमें फ्रीज टेक मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि जब आपका ग्राफिक कार्ड आइडल स्टेट में होगा तो ये अपने फैंस को स्पिन करना बंद कर देगा, जब इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये पावर सेविंग के लिए एक अच्छा इसका फीचर है। नेक्स्ट जो यहाँ पे मेंशनड है वो NVIDIA एम्पियर आर्क, इसके अंदर टेक्नोलॉजी मौजूद है, रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी मौजूद है, जैसा कि RTX नाम से ही जाहिर है। और उसके अलावा इसमें DLSS टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। तो ये हैं कुछ इसके वो स्पेक्स जो इसके फ्रंट पैनल पे लिखे गए। और इस जानब जो है वो आइसस्टॉर्म 2 एडवांस GPU कूलिंग, फ्रीज, फैन स्टॉप व्हेन GPU इज़ आइडल, और फायर स्टॉर्म जो है वो इसके साथ मेंशन है, डायरेक्ट टेक्स 12 अल्टीमेट के साथ है, ये LHR लाइट हैश रेट है, भाई लाहौर नहीं पढ़ना इसको। उसके बाद जो है वो कुछ इसके मैन्यूट डिटेल्स लिखी गई हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाते हैं क्लोज़अप में, लेकिन इसके साथ साथ इसमें NVIDIA का एम्पियर आर्किटेक्चर भी मेंशन्ड किया गया है। और उसके साथ ये कहा गया है कि इसमें एनहांस्ड जो रे ट्रेसिंग कोर्स हैं और टेंसर कोर्स हैं ये मौजूद हैं, जो जिसमें मल्टी प्रोसेसर जो है वो हाई स्पीड G6 मेमोरी के साथ मौजूद हैं, जिससे इसकी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। और यहाँ पे इसके जो तमाम डिटेल्ड फीचर्स हैं वो आप क्लोज़अप में देख पा रहे होंगे। इसके अंदर जो है वो सेकंड जन रे ट्रेसिंग कोर्स मौजूद हैं, थर्ड जन टेंसर कोर मौजूद हैं, PCIe Gen 4 को ये सपोर्ट करता है, माइक्रोसॉफ्ट DirectX 12 जो अल्टीमेट है उसको ये सपोर्ट करता है, GDDR6 ग्राफिक्स मेमोरी है, और उसके साथ साथ ये NVIDIA DLSS को भी सपोर्ट करता है, NVIDIA GeForce एक्सपीरियंस इसके साथ मौजूद है, NVIDIA G-Sync मौजूद है, और NVIDIA GPU बूस्ट टेक्नोलॉजी है जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है। और नेक्स्ट स्पेक्स के अंदर जो है वो गेम रेडी ड्राइवर्स, वल्कन RT API और OpenGL 4.6 को मेंशन किया गया है, डिस्प्ले पोर्ट 1.4A है, HDCP 2.3 है, और इसके साथ साथ ये VR रेडी भी है। अब जो मेन इसकी चीज़ है वो रेजोल्यूशन है, जो कि सपोर्ट करता है 4K तक 120 हर्ट्स HDR और 8K जो है वो 60 हर्ट्स तक ये सपोर्ट करता है HDR, एंड वेरिएबल रिफ्रेश रेट होंगे इसके, और HDMI 2.1 के अंदर ये स्पेसिफाइड है। LHR वर्जन है ये, जैसे कि आपको पहले बताया गया है, तो आपको माइनिंग में इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ स्पेशली डिज़ाइंड ओनली फॉर गेमर्स, लेकिन गेमर्स जो हैं वो इसे एग्जैक्टली वही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि नॉर्मल 3060 Ti के अंदर मौजूद होती है। वैसे आपको इसका जो हैश रेट है वो भी बता देते हैं कि 25 MHz आपको देगा, जो कि एस्टिमेटेड लिखा गया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इसमें GeForce एक्सपीरियंस और NVIDIA शेडो प्ले जो है
वो भी ये सपोर्ट करता है। तो काफ़ी ज़्यादा हैवी एक अच्छा कार्ड है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स मौजूद हैं इसके अंदर, तो गेमिंग के अंदर आप इसे इससे एग्जैक्टली वही परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके बॉक्स कंटेंट्स के बारे में आपको बता देते हैं कि इसके अंदर ज़ोटेक का 3060 Ti ग्राफिक कार्ड आपको मिलेगा, मल्टीलिंगुअल जो इंस्टॉलेशन मैनुअल है वो आपको मिलेगा, और इससे हट के कोई चीज़ जो है वो इसके अंदर मेंशन नहीं। तो ये था जी आज का हमारा छोटा सा रिव्यू इस कार्ड के बारे में, और इसलिए बनाया गया ताकि आप लोगों को इसके टेक्निकल स्पेक्स और डिटेल्स प्रायर बाइंग आप देख सकें और डिटेल्स जानने के बाद ही बाई कर सकें। और अगर आप ये ग्राफिक कार्ड अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट करें और पॉसिबली ये आप वहाँ पर अवेल कर पाएंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की अपकमिंग अनबॉक्सिंग्स एंड रिव्यूज़ जो कि इंशाल्लाह इस चैनल पे आते रहेंगे, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान कोई भी गेमिंग पीसी कंपोनेंट इंक्लूडिंग द ग्राफिक कार्ड्स एंड कोई भी गेमिंग पीसी बिल्ड जो है वो आपको डिलीवर करवा सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम। Stay blessed. Allah Hafiz.